जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। यह बता दूं कि यह लेक्चर एमए के विद्यार्थियों और साथ ही साथ बीए के विद्यार्थियों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह बहुत विस्तृत लेक्चर ना होके थोड़ा शॉर्ट में है, क्योंकि आपके एमए के पाठ्यक्रम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। इससे पहले कि यह जाने जनसंख्या भूगोल क्या होता है, यह देखना इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हमें दो शब्द मिलते हैं, पहला जनसंख्या और दूसरा भूगोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या शब्द से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या शब्द से तात्पर्य है जनों की संख्या। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए जनसंख्या का, तो इसका सीधा अर्थ होता है जनों की संख्या, और यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो होता है लोगों की संख्या। कहाँ की लोगों की संख्या, चलिए बात करते हैं। किसी विशेष समय में, याद रखेंगे, ध्यान देंगे, किसी विशेष समय में किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। जैसे कि हमने बात किया विशेष समय और विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। जैसे कि मान लेते हैं वह क्षेत्र भारत है और वो जो निश्चित समय है वह है 2011। तो 2011 यानी कि एक निश्चित समय में भारत क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा शब्द हमने बात किया था भूगोल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल के प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, इसका अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम जनसंख्या और भूगोल शब्द के शाब्दिक अर्थों को जानने के पश्चात हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के संबंधित विभिन्न तथ्यों का विभिन्न क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक अंतर की व्याख्या करता है भौगोलिक दृष्टिकोण से। इसी को चलिए बहुत सिंपल वे में करते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो जनसंख्या भूगोल भौगोलिक दृष्टिकोण से धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की जो अलग अलग विशेषता पाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक क्षेत्र रूस के बारे में और दूसरा लेते हैं हमारा भारत के बारे में। आप सभी को पता है कि यह दोनों भूखंड की विशेषताएं अलग है। वही यदि सीधे तौर पर बात किया जाए तो यह प्रदेश ठंड है और ठंड होने के वजह से यहाँ के लोगों की विशेषताएं अलग पाई जाती है। जैसे कि यह साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं, वैसे ही अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती है। गर्म, अगर बात करें गर्मी की, तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 महीने का गर्मी होता है, तो हमें हमेशा गर्म कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से अलग अलग जो भौगोलिक विशेषताएं हैं के आधार पर जनसंख्या की विशेषताएं भी बदल जाती हैं, और इसी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, या फिर जिसे हम जनसंख्या भूगोल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या भूगोल की परिभाषा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, विल्बर जेलेंस्की महोदय ने 1966 में एक परिभाषा दिया था, और उस परिभाषा में इन्होंने कहा था कि जनसंख्या भूगोल को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक विशेषताओं
और जनसंख्या की विशेषताओं के बीच पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। चलिए इसे थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं। जेलेंस्की महोदय कहते हैं कि जनसंख्या जो भूगोल है एक विज्ञान है। सबसे पहला चीज उन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या भूगोल एक विज्ञान है, और उसके बाद उन्होंने बात किया है जो स्थान और समय के संदर्भ में, जो स्थान और समय के संदर्भ में, मतलब एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय के संदर्भ में भौगोलिक विशेषताओं यानी कि धरातलीय विशेषताओं और जनसंख्या की जो विशेषताएं है उसके बीच क्रिया से संबंधित है। स्पष्ट तौर पे एक ऐसे विज्ञान की बात हो रही है जो किसी क्षेत्र की भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन होगी। जनसंख्या भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी क्षेत्र, किसी भी निश्चित क्षेत्र की, याद रखें कि किसी भी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में उस क्षेत्र की भौगोलिक जो स्थिति है और उस क्षेत्र की जो, उस क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, इन दोनों के मध्य के पारस्परिक संबंध को दर्शाने वाला विज्ञान क्या है, हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल है। यह जेलेंस्की महोदय द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जनसंख्या भूगोल का, जो जी डी ट्रिवार्था महोदय ने दिया था 1969 में। इन्होंने कहा जनसंख्या भूगोल पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय अंतर को समझने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, एक बार और दोहराता हूं मैं, जनसंख्या भूगोल पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय अंतर को समझने के विज्ञान के रूप में। अब ये कहना क्या चाहते हैं, आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताएं अलग अलग पाई जाती है, और इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं या फिर इन्हीं क्षेत्रीय अंतर के फलस्वरूप क्या होती है, इन दो अलग अलग स्थान पे निवास करने वाला जो पॉपुलेशन होगा उसकी भी विशेषता क्या है, बदल जाती है। और इन्हीं भिन्नताओं को, इसी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर जो जनसंख्या में भिन्नता आती है, इसी को अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। आगे हम इस प्रकार से दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल धरातल पर जनसंख्या के विशेषताओं एवं उसमें क्षेत्रीय अंतर उत्पन्न करने वाले तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। शब्द अलग है लेकिन परिभाषा वही कह रहा है कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र का जो भौगोलिक तत्व है वो प्रभावित करेगा उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के तौर पे। विषय क्षेत्र जिसे स्कोप भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे स्कोप कहा जाता है। सबसे पहले ये जो शब्द है विषय क्षेत्र को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। स्कोप या विषय क्षेत्र, किसी भी विषय का अध्ययन का दायरा क्या है, अर्थात कहना चाहता हूं कि वो जो विषय है, कोई भी पर्टिकुलर विषय है, उसके अंतर्गत हम किस सीमा तक अध्ययन कर सकते हैं, उसका विषय वस्तु क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका क्रियाकलाप क्या होगा, इन सभी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसका स्कोप कहा जाता है। अर्थात सीधे तौर पे बात करें कि वह जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है वो कितने सीमा तक, कितने दायरे तक फैला है, और इस दायरे में वो कौन कौन से विषयों का या फिर विषय वस्तु का अध्ययन करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विषय क्षेत्र कहते हैं। चलिए बात करते हैं जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। जनसंख्या भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है, परंतु इसके अध्ययन के विषय वस्तु को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। चूंकि जनसंख्या भूगोल पर अधिक काम नहीं हुए हैं, इस वजह से विभिन्न विद्वानों में मतभेद है कि इसके विषय वस्तु को लेकर, इसके विषय वस्तु सीमाएं तथा क्रियाकलाप,
इसके विषय वस्तु सीमाएं तथा क्रियाकलाप व्यवहारिक दृष्टि से पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाई है। जैसे कि मैंने कहा, चूंकि जनसंख्या भूगोल के ऊपर अधिक काम नहीं हुआ है, इसके वजह से इसका जो विषय वस्तु, इसकी सीमाएं तथा क्रियाकलाप व्यवहारिक दृष्टि से क्या निश्चित नहीं हो पाई है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसके बारे में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल का यह विषय क्षेत्र विषय वस्तु है। तो वो जो प्रमुख पक्ष है, जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख जो पक्ष है, सबसे पहले किसी निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या का आकार, वितरण एवं विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात किया था कि एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र होगा उसके जनसंख्या का साइज क्या है, आकार क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, साथ ही साथ उनकी अन्य विशेषताएं किस प्रकार से है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है जनसंख्या के स्थानिक वितरण का विवेचन करता है। इसको समझते हैं, आप सभी को बताया था कि हर एक स्थान की, कोई भी अलग अलग स्थान की, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है और कोई पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों का ज्योग्राफिकल जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। अलग होने के फलस्वरूप क्या है, यहाँ पे जो निवास करने वाला जो जनसंख्या होंगे, उन जनसंख्या का क्या होगा, उनकी विशेषताएं भी क्या होगा, अलग होगा। तो स्थान के आधार पर क्या करता है, जनसंख्या के वितरण का क्या करता है, व्याख्या करता है और विवेचन करता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जनसंख्या का भौगोलिक विवेचन। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई तीन क्षेत्र है, पर्वतीय है, मैदानी है और पहाड़ी क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से विवेचन तो करता ही है, साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे मैदानी क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र का भी क्या करता है, यह विवेचन करता है, पर्टिकुलर उस स्थान के जनसंख्या और वहां के भौगोलिक जो विशेषता है उनका विवेचन भी करता है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में करता है। अब यहाँ पे तो सब चीज क्लियर हो गया, कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में करता है, जो कि यह दर्शाता है सभी भौगोलिक अध्ययन मानव के आसपास घूमता है। इसको सीधी स्पष्ट तौर पर याद रखो, यदि हम मानव ही नहीं होते तो शायद हम अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे होते, या दुनिया का ऐसा कोई भी ज्ञान का जो विषय है वो नहीं पढ़ रहे थे। अर्थात मानव के आसपास उसकी उपयोगिता और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर हर एक सब्जेक्ट उसके आसपास क्या होता है, घूमता है, मानव ही क्या हो जाता है, केंद्र बिंदु हो जाता है। इसी वजह से जनसंख्या भूगोल क्या करता है, जनसंख्या भूगोल पृथ्वी की सतह को का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि लास्ट भी है, जनसंख्या के अध्ययन में गणितीय सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। आप सभी को पता है जनसंख्या संबंधी यदि हमें आंकड़े प्राप्त करने हैं तो उन आंकड़ों को सर्वे द्वारा या जनगणना द्वारा प्राप्त करने के बाद उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, विभिन्न सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कहीं का जन्म दर निकालने के लिए, मृत्यु दर निकालने के लिए या दस की वृद्धि दर निकालने के लिए हमें गणितीय विधियों और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के संदर्भ में गणितीय और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। इसी के साथ मैंने जैसे कि आप लोग को कहा था यह शॉर्ट वीडियो होने वाला है जो विशेषकर से एमए के विद्यार्थियों के एग्जाम को पॉइंट करके बनाया गया है, क्योंकि उनके सवाल एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और पांच नंबर के होते हैं, जो कि इतना सफिशिएंट होने वाला है उनके लिए। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए यह शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाया हूं, और जनसंख्या भूगोल से संबंधित और वीडियो भी आएंगे, तो आप लोग बने रहिए। और इसी के साथ
मैं मिलूंगा आप लोग को अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक डिसलाइक कमेंट आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। चैनल का नाम है ललित के ठाकुर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।